everyone, welcome to my channel. तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ how to transform this to this. How am I looking? Lovely. So if you want to achieve this look, please keep watching. All you need to get this look is a pencil. तो एक आपको स्ट्रेटनर चाहिए, मैं यहाँ पे फिलिप्स का स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ, एंड आपको एक पेंसिल चाहिए, एंड आई विल शो यू हाउ टू अचीव दैट लुक. स्टेप वन, तो सबसे पहले मैं एलोवेरा यूज करने वाली हूँ. ये प्लांट नेचुरल एलोवेरा है जो कि मैंने प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है. मेरे घर में एलोवेरा प्लांट था तो मैंने वहां से ले लिया. बट अगर आपके पास नहीं है तो आप जेल यूज कर सकते हैं, दैट इज इजीली अवेलेबल. यू कैन यूज पतंजलि एलोवेरा जेल और एनी अदर. सो हाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू अप्लाई द एलोवेरा ऑल ओवर योर हेयर. इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिंग लेयर जिससे कि आपके बाल हीटिंग से खराब ना हो. लाइक दिस. As you can see, मैंने पूरे बालों में एलोवेरा लगा लिया है, एंड अब इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ूंगी, एंड आई विल मूव ऑन टू द स्टेप टू. तो अभी हम इस स्ट्रैंड को कॉम करेंगे. लेट मी कॉम इट. अब हम यूज करेंगे पेंसिल एंड तो यहाँ पे हमने पेंसिल लगा दी है. ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट इट लाइक दिस एंड होल्ड इट फॉर 1 or 2 seconds. सो दिस वन वॉज अ लूज कर्ल, बट इफ यू वॉन्ट अ मैगी कर्ल देन यू कैन टेक अ स्मॉल सेक्शन एंड देन जस्ट डू इट लाइक दिस एंड जस्ट होल्ड इट फॉर अ सेकेंड एंड दैट विल गिव यू रिजल्ट. सिंस हमने इसमें थिक स्ट्रैंड ली है तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा देर लॉन्ग होल्ड कीजिए. मस्त आ रहा ना, ये वाला साइड. तो अभी हम ये लगाते हैं इस साइड. ऑल्दो ये आप लास्ट स्टेप भी कर सकते हैं जब दोनों साइड हो जाए, बट आई वॉन्ट टू डू इट दिस वे. इसको ऐसे क्रंच करो जब आप इसे लगाते हो, इससे आपके बाल ना थोड़े जैसी सिचुएशन में थोड़े वैसी रहेंगे. लाइक दिस. और इसको ना अपनी स्कैल्प में बिल्कुल मत लगाना, इसको लगाना यहाँ पे फ्रिजी एंड्स में और ऐसे. ठीक है, ये हमारा हो गया ये साइड. अब हमारे साइड बची है ये. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. एंड बी केयरफुल क्योंकि ये फेस के सामने है, फेस मत जला लेना. काफ़ी लोगों का मैंने एक बार देखा था, किसी का माथा जला होता जब हम स्कूल्स में होते हैं, ओ बेचारे ने स्ट्रेटन किया था जरूर. ये देखो कैसा कर्ल हो गया. तो ये कर्ल होता है अगर आप स्मॉल स्ट्रैंड लो, वेरी थिन स्ट्रैंड. ये देखो इसको हम क्लिप कर लेंगे. टाइम तो लगता है यार, बहुत टायरिंग प्रोसेस है. सरों पे प्यारा है ना. Thank you.
आई एम डन विद स्टेप टू. तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड सीरम ओवर हियर. सो स्टेप थ्री इज अप्लाइंग सीरम. इसको हाथ में थोड़ा सा रब कर लो एंड देन इसको. सो फाइनली इट्स रेडी एंड आई एम लविंग इट. And अब मैं quickly एक lipstick apply कर लेती हूँ. How am I looking? I think I am looking lovely. See, party ready. So if you like this video and find it useful, please like my video and subscribe to my YouTube channel. See you soon. Bye bye.